नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सरकार गरीब और असहाय वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती है ताकि उनके भी सपने पूरे हो सकें, वो भी पढ़ लिख कर अपने सपनों के पंख लगा सकें। छात्रावास तो सरकार ने उपलब्ध करवा दिए, लेकिन इनमें सुविधाओं के नाम पर केवल खोखले दावे किए गए थे जो एक हवा बनकर रह गए। सरकार द्वारा बनाए गए इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हॉस्टल में खाना बनाने सहित तमाम रोजमर्रा के काम खुद करने पड़ते हैं। सरकार ने सुविधाओं के नाम पर इन छात्रावासों में कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया है सिवाय हवा हवाई बातों के। केलवाड़ा राजकीय अंबेडकर छात्रावास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, देखिए एक रिपोर्ट। राजकीय छात्रावास में अव्यवस्थाओं का आलम, छात्रावास में नहीं है रसोईया, छात्रावास में छात्र खुद बनाते हैं खाना, छात्रों की पढ़ाई राम भरोसे, कई छात्रों की चल रही है परीक्षाएं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। सरकार शहरिया बच्चों पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी विभाग के आला अधिकारी सरकारी नियमों को ताक में रखकर काम कर रहे हैं और विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। मामला 12 के शाहबाद इलाके के केलवाड़ा स्थित सरकारी छात्रावास का है, जहाँ कई काम खुद छात्रों को करने पड़ रहे हैं। और रसोईया, रसोईया रोटी बना के गई, इतनी जल्दी रोटी बना के भी गई? अच्छा, तो बच्चे खाना बना रहे थे उस दिन? खाना बना, ये था ना अपने डाइट का था मामला। अच्छा, रोज बनाते हैं बच्चे खाना? नहीं बनाते, कोई कोई दिन चले जाते हैं, नहीं रहते हैं कोई जाते। तो यहाँ कितने वो लग रहे हैं? एक रसोईया, एक ही है? 50 पे दो का वो है, शाहबाद में दो लगे हुए हैं। हाँ, शाहबाद में दो दो हैं। हाँ, समाज कल्याण छात्रावास में एक। कहने को तो केलवाड़ा में राजकीय अंबेडकर छात्रावास सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किया जाता है, लेकिन यहाँ खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक का काम छात्रों को खुद करना पड़ता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। 12वीं क्लास के छात्रों की परीक्षाएं चल रही है, छात्रावास में वक्त पर साफ सफाई नहीं होने के चलते शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है। ऐसे में छात्रावास में रहने वाले छात्रों में बीमारियां होने का भय बना रहता है। रोटी भी खराब बन रही है, काली काली सी, सब्जी में कंकी बिना भी बटाई बटाते हैं रोजाना। अच्छा, रोजाना बटाई? हाँ, दो तीन दिन लगा। और सब्जी चेंज नहीं करते कोई? नाश्ता भी चेंज नहीं रहता है। अच्छा, उसमें तेल में कम डालते हैं नाश्ता में। और दूध मिलता है क्या पीने को? तो मिलता है। और चौकीदार क्या कहता है, कुछ कहता है क्या? चौकीदार तो वैसे कुछ नहीं देता, हम नाश्ता किए थे नहीं तो उन्होंने कहता है कि तुम्हारा बाप कहा जा रहा है। अच्छा, जब तो फिर मैं लगा रहा हूँ जी के, सरकार तो कुछ भी नहीं दे। और बार्डन साहब कब से नहीं आते? बार्डन तो एक महीने से नहीं है। अच्छा, एक महीने से नहीं आया। छात्रों का कहना है कि अव्यवस्थाओं को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई रोजमर्रा के कामकाजों के कारण चौपट होती जा रही है। न्यूज इंडिया के लिए शाहबाद से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। तो इस वक्त शाहबाद से हमारे संवाददाता लेखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। लेखराज, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस सरकारी छात्रावास में
कुल कितने छात्र रहते हैं और कब से इन्हें इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर जैसे कि टोटल एसएमएस की 50, मगर इसमें एडमिशन हुए 35 थे, जिसमें से 33 थे अभी मौजूद हम घर जाओ जी लेखराज। हाँ जी सर। तो यहाँ पे छात्र कब से इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन छात्रों को? सर ये बता रहे थे कि जुलाई से ही हमको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो चौकीदार हैं वो लोग क्या कहते हैं कि आखिर क्यों इन छात्रों से काम करवाया जाता है, छात्र खुद खाना बना रहे हैं? सर चौकीदार का कहना ये है कि यहाँ पे एक रसोई लगा रखी है सर, उसको थोड़ा हेल्प के लिए तो इनको बुला लिया जाता है, इसलिए हम खाना बनवाते हैं बच्चों। तो बाकी और सारी जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के अधिकारी लोग कुछ बोलते हैं या नहीं? सर अधिकारी कुछ नहीं कहते, ये कहते हैं हम जाकर इस पर कार्रवाई करेंगे। और बार्डन पे बात हुई थी तो बार्डन ये बता रहा था कि हम 7 दिन इसलिए जाते हैं कि हमारे यहाँ 3-2 होटल दे रखे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें स्थानीय विधायक की, स्थानीय सांसद, क्या इन लोगों के नजर में ये सारी चीजें नहीं आती हैं कि कैसे एक छात्रावास में मासूम बच्चे जो हैं उनसे खाना बनवाया जाता है, उनसे साफ सफाई करवाया जाता है? तो सर इसमें यह है कि जब मीडिया जाती है मौके पर देखने और वो जायजा लेती है, इसके बाद मीडिया में प्रकाशित होने के बाद खबर, इसके बाद ये प्रशासन और एमएलए वगैरह हरकत में आते हैं। तो ये जो छात्र यहाँ रहते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते हैं, तो इनका भविष्य कैसे बनेगा, इसको लेकर के जो छात्र हैं उनके परिजन क्या इस चीज को लेकर के वो कुछ नहीं कहते? सर छात्रों का घर वालों को पता रहता है कि उनको सुविधा मिल रही है, तो उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती। अब मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, जब उनको पता पड़ता है तो वो आला अधिकारियों को तो जब ये मामला अभी सामने आया है, इसके बाद क्या इस पर किसी ने संज्ञान लिया है, किसी अधिकारी ने, कि इसमें स्थिति किस तरीके से बेहतर हो पाएगी, इसको लेकर के कोई संज्ञान लिया गया है या फिलहाल नहीं? नहीं सर, मेरी जिलाधिकारी से बात हुई थी, उसमें उन्होंने ये बताया था कि मैं जाकर मौका देखूंगा, और अभी तक वहां मौके पे कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं जो कि उप प्रधान हैं पंचायत समिति शाहबाद के। बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। धर्मेंद्र जी आखिर क्या वजह है कि केलवाड़ा के इस छात्रावास की ऐसी स्थिति है जहां बच्चे मजबूरी में रहते हैं और वो जगह रहने के लायक नहीं है? जी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है। प्रशासन के जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनको समय समय पर विजिट करनी चाहिए, वो लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं कि हॉस्टल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उन्हें स्वयं खाना बनाना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। तो फिर ये ठीक कैसे होगा और इसको ठीक कौन करेगा? ये प्रशासन और यहाँ के जो नेता है, खासतौर से उसमें हम लोग भी शामिल है, ये सबकी कंबाइंड जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी के अनुसार यदि हम कार्य करें तो निश्चित तौर पर सुधार हो सकता है। तो फिर कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है धर्मेंद्र जी, जब ये चीज हम जान रहे हैं कि इसके लिए हमें काम करना होगा और हम काम करेंगे तब जाकर के हालात बेहतर होंगे और इन छात्रों का भविष्य बनेगा, तो फिर काम क्यों नहीं किया जा रहा? जी हम लोग समय समय पर जब विजिट करते हैं हॉस्टल में तो हमारे जाने के समय तो सारी स्थिति ठीक रहती है, लेकिन जो ही हम लोग 1-2 दिन में विजिट कर आते हैं या विजिट करने के बाद जो स्थिति बिगड़ती है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये चीज जो देखनी है वो अधिकारियों को देखनी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो जा सकता है, जाके निर्देश दे सकता है, देख सकता है, लेकिन उसके अलावा भी तो आला अधिकारी है, वो इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें समय समय पर विजिट करनी चाहिए, और जो लोकल लेवल के जो अधिकारी है उनको निर्देश देने चाहिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि विजिट पे जाते हैं उस वक्त चीजें तो ठीक रहती हैं लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं, तो वहां जिनकी देखरेख में ये हॉस्टल है वहां के देखरेख करने वालों में कमी है, तो उन पर क्यों नहीं कार्यवाहियां की जाती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल है सर, वहां जो जिम्मेदार जो हॉस्टल वार्डन वगैरह है वही जिम्मेदार है, तो उन पर कार्यवाहियां क्यों नहीं की जाती हैं?
ये तस्वीरें तो अधिकारियों को तय करना होगा सर। हम लोग तो शिकायत कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया ये कमी है। शिकायत आप कर सकते हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाना भी तो आपका ही काम है। ये हमारी अधिकारियों पे दबाव बनाना भी तो आपका काम है, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त अगर धर्मेंद्र जी आप अभी ये तस्वीर देखेंगे, मासूम बच्चे जो वहां भविष्य बनाने आए हैं उनसे बैठ करके खाना बनवाया जा रहा है, उनसे झाड़ू दिलवाया जा रहा है, वो साफ सफाई कर रहे हैं जी। ये बहुत बुरी स्थिति है सर, दयनीय स्थिति है, और ये बच्चों के साथ छलावा है। जो लोग अपना करियर बनाने के लिए आए हैं, दूर दूर से जिन गरीब माँ बाप ने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए भेजा है, वो उनके बच्चे यहाँ के खाना बना रहे हैं, ये बहुत बहुत दयनीय स्थिति है सर। तो इसके लिए अब जब ये चीजें मीडिया में आई हैं तब जाकर के लोग कहते हैं कि इस पर कार्यवाही होगी, लेकिन अभी तक कार्यवाही होना कुछ भी दिखा नहीं है। राजवीर सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, जिला महासचिव हैं कांग्रेस के। राजवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, बहुत नमस्कार। राजवीर जी, जो छात्रावास की स्थिति है, बहुत दुख होता है इस स्थिति को देख करके, लेकिन क्या वजह है कि इस छात्रावास की स्थिति इतनी बदतर है? देखिए सर जी, मैं निवेदन करूं आपसे जी, इससे बड़ी शर्म की और क्या चीज होगी, क्या बात होगी, आप बताइए। जो अपने माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को छात्रावास में डालते हैं, छात्रावास से गरीबों को एक उचित शिक्षा दिलाने के लिए, बढ़िया शिक्षा दिलाने के लिए माँ बाप उनको सरकार के भरोसे छोड़ते हैं, सरकार का उसका जिम्मा होता है। और आप देखिए जिन बच्चों से, और अभी बारहवीं क्लास की शायद पेपर चल रहे हैं, और वो बच्चे छात्रावास में भोजन पका रहे हैं, छात्रावास में गंदगी का अंबार होता है, जबकि सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सरकार इस तरफ स्वच्छता का वादा कर रही है, स्वच्छ मिशन के जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं, ये जगह जगह इनके कार्य चलाए जा रहे हैं, परंतु ये हमें लगता है कि बिल्कुल ये कागजों में ही सीमित है। आप ये देखिए बच्चों के हालात क्या हो रहे हैं, वार्डन की ड्यूटी क्या होती है, वार्डन एक मुखिया होते हैं, वो बच्चों के एक पिता है, माता है तो वार्डन है, पिता है तो वार्डन है, भाई है तो वार्डन है। अभी किसी बच्चे की भगवान नहीं करे रात में नाइट में दुखी बीमारी होता है तो आखिर उस बच्चे के साथ क्या होगा। शिक्षा के ऊपर बच्चों को भेजा है और बच्चे खुद भोजन पका रहे हैं, खुद झाड़ू लगा रहे हैं, खुद पानी भर रहे हैं, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। और राजवीर जी, राजवीर जी ये तो समस्याएं हैं, राजवीर जी ये तो सारी समस्याएं हैं जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन इनका निराकरण कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा? मैं समझता हूँ जहां तक इसका निराकरण जब ही हो पाएगा जब प्रशासन मुस्तैद होगा, और कहीं ना कहीं मुझे इसमें राजनीतिक बू आती है कि कोई वार्डन हो या कोई हेडमास्टर हो या कोई भी हो, ये आजकल ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी का कोई राजनेता से संबंध होता है, वो अपने मौज मस्ती करता है, बच्चों को व्यवस्था नहीं देखता। इसको प्रशासन जब तक प्रशासन अलर्ट नहीं होगा, उच्च अधिकारी अलर्ट नहीं होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होंगी, मैं कहता हूं उनको कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलना चाहिए, संबंधित जो भी राजवीर जी एक चीज बताइए तो मिलेगी। राजवीर जी एक चीज बताइए, आप लोग हर चीज को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हैं, हर चीज को लेकर के सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, इन बच्चों की स्थिति आपको नहीं दिखती है? इसको लेकर के विपक्ष तो कभी कुछ नहीं बोलता, आखिर क्यों? नहीं, हमने समय समय पर देखा है, समय समय पर किया है, कौन कहता है इसको हम लोग नहीं करते, हम लोगों ने किया है, पर इस तो करने के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे हैं तो फिर तो प्रश्न उठता है। हम लोग इस पर उपखंड अधिकारियों से मिले हुए हैं, कई बार हम समय समय पर संबंधित अधिकारियों से मिले हैं, हम लोगों ने बैठ किया, केवल हम लोगों को आश्वासन मिलता है कि भाई जल्द व्यवस्था सुधार दी जाएगी, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। सरकार की तरफ एक तरफ आप देखिए, इन्होंने एकल विद्यालय चलाया, एक छत के नीचे विद्यालय, आप उन कई गांवों में देखिए जो बिल्डिंगें बनी हुई है, 10-10, 15-15 लाख रुपए की बिल्डिंगों में ताले लगे हुए हैं, एक छत के नीचे करने का इनको क्या फायदा मिला आज? हम लोग इसके ऊपर भी काफी लोग बोले हैं, पर आवाज को दबाया जाता है, सुना नहीं जाता, आवाजें दबाई जा रही है, आखिर क्यों दबाई जा रही है? जानते हैं, प्रवक्ता है बीजेपी मंडल के शाहबाद के अरविंद शर्मा जी हमारे साथ। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद सर। अरविंद जी, छात्रावास की स्थिति इतनी बदतर क्यों है, और जब आवाज उठती है विपक्ष की ओर से तो दबा क्यों दिया जाता है, हालात बेहतर करने की ओर क्यों नहीं कदम बढ़ाए जाते? सर डेमोक्रेसी सबको बोलने की आजादी है,
और सभी अपनी उचित मंच से अपनी आवाज रख सकते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि जिले 12 जिले में समाज कल्याण विभाग के लगभग 46 छात्रावास चल रहे हैं और सभी की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चल रही है। सरकार की ओर से इनको निःशुल्क वर्दी, स्कूल यूनिफॉर्म, शिक्षा सामग्री, खाने की सामग्री और बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। तो केलवाड़ा की जो ये स्थिति है अरविंद जी, केलवाड़ा छात्रावास की जो ये स्थिति है जहां पे बच्चों से खाना बनवाया जा रहा है, उनसे साफ सफाई करवाई जा रही है, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? जी जी जी, जी आप बाजी फरमा रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई यदि घटना सामने आती है, कहीं चूक है, किसी कार्मिक की यदि लापरवाही है, तो प्रशासन द्वारा बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीरा साहब ने उस छात्रावास का दौरा किया है और दौरा करके तुरंत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। प्रशासन की, सिस्टम की, संगठन की, सरकार की यही मंशा रही है कि जो गरीब, वंचित, शोषित छात्रावास में, छात्रावासों में शिक्षा पाते हैं छात्र, वो बेहतर सुविधाएं मिल पाए, अच्छी व्यवस्थाएं हो पाए। केवल राजनीतिक उद्देश्य से इस मुद्दे को राजनीतिकरण करके यूं परोस दिया जाना कि पूरी व्यवस्थाएं खराबे, तो ये केवल एक पक्ष देखा जाना है। इस घटना के पूर्व में अभी जो बात कर रहे थे आदरणीय माननीय सचिन राजवीर जी, वो ये घटना बता दें कि इस तरह की कोई घटना हुई है जहाँ छात्रावास में अव्यवस्थाएं पाई गई है। नहीं, अव्यवस्थाएं तो हम दिखा रहे हैं, वो राजवीर जी क्यों बताएंगे, वो तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी 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 जी, तो कोई एक आल आपात रूप कहीं पे कोई दोस्त कमी आई है तो निसंदेह समाज कल्याण, समाज प्रशासन की संवेदनशीलता इसमें दिखती है। समाज कल्याण अधिकारी ने तुरंत दौरा किया है। धर्मेंद्र जी एक चीज आप बताएंगे कि क्या इस छात्रावास की स्थिति को बेहतर करने को लेकर के कोई पहल होती दिखी है? जी जी जी, समाज कल्याण अधिकारी का मैं दौरा किया है, स्थानीय प्रशासन के तहसीलदार ने दौरा किया है, मैं खुद केलवाड़ा में था। चलिए, ये तो आपने दावा कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र जी से इसकी हकीकत भी तो जान लो। धर्मेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो धर्मेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी 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 सर। धर्मेंद्र जी, क्या अरविंद शर्मा जी जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है? छात्रावास को सुधारने को लेकर के क्या टीमें वहां पहुंच रही हैं, क्या वहां पे अधिकारी पहुंच रहे हैं, हालात बेहतर करने को लेकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं नजर आया सर। अरविंद जी, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है? अरविंद जी, आवाज मिल रही है? इस विषय को राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए, चाहे पार्टी किसी से हो, संगठन किसी से हो, या छात्रों की बात है, सबको समन्वित प्रयास करना चाहिए। नहीं नहीं, तो आपने जो दावे किए अरविंद जी, आपने जो दावे किए उसकी हकीकत तो ये है कि उन दावों में हकीकत है ही नहीं। जी जी, मैं खुद केलवाड़ा में था, तहसीलदार साहब ने विजिट किया है सर, उसने देखा है, समाज कल्याण अधिकारी से मेरी बात हुई है, समाज कल्याण अधिकारी का जाकर के व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है सर। मैं खुद उस छात्रावास कैंपस में सुबह पहुंचा हूँ, लगभग 11 बजे के आसपास मैंने उसका जायजा लिया। चलिए, ये अच्छी बात है और हालात बेहतर किए भी जाने चाहिए, लेकिन राजवीर जी एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो है इस ओर पहल कर रही है, हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके इन चीजों पे सियासत क्यों होने लगती है? राजवीर जी, सर, इन चीजों पे आखिर सियासत क्यों शुरू हो जाती है? देखिए जी, ये अरविंद जी जो बात कह रहे हैं कि राजनीति से चिंतित परे रखना चाहिए, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि मैंने छात्रावास का आज जायजा लिया है, तो जब आप मुझे ये बता दीजिए क्या ये भास्कर में ये न्यूज छपी है, भास्कर में आपको साफ बच्चे भोजन पकाते नजर आ रहे हैं, बच्चे आपको पानी लाते नजर आए, क्या इस बात को जुट सकते हो? आज ये बात अगर आप अलर्ट होते, आपकी सरकार की आप बात करते हो, साहब राजनीति की बात करते हो, तो इस बात में आप ये लीजिए कि सरकार की मंशा साफ होती, सरकार इनके प्रति संवेदनशील होती, तो क्या ये तस्वीर सामने आती? इसको आप झुठ सकते हो? क्या ये सच नहीं है कि ये व्यवस्था नहीं है? इसको पर ये कहीं ना कहीं इसमें साफ राजनीतिक, ये खुद कह रहे हैं कि राजनीतिक से परे रखना चाहिए, पर राजनीति से छात्रों को परे होना भी चाहिए, सही बात है, पर क्या आवाज उठाना गलत बात है? क्या इसमें भास्कर में छपा है क्या गलत है? भास्कर नहीं, जब वो इस चीज की बात, इस चीज को तो वो स्वीकार रहे हैं।
इस चीज को अरविंद जी तो स्वीकार कर रहे हैं कि कमियां हैं, लेकिन उनको दूर किया जा रहा है, फिर इसमें सियासत क्यों? क्या अव्यवस्था नहीं थी और नहीं है तो क्या उच्च अधिकारियों को दौरा करना आवश्यकता थी? अव्यवस्था को लेकर जब आदरणीय मीडिया ने इस बात को उछाला तो सरकार का कहीं ना कहीं दबाव पड़ा या सरकार के थोड़े से ही जो रिंग है इस चक्कर में अधिकारियों का अंबार लग गया। इससे पहले अधिकारियों ने कितने बार चेक किया? आप हालात देखिए, आपके देवरी में देख लीजिए, बमनगवा में देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए, शायद एक सादा सिंपल परिवार के कपड़े लत्ते सही होते हैं, उनके पलंग की हालात देखिए, उनके बिस्तर की हालात देखिए वहां, और वहां के गंदगी का अंबार देखिए। मैं ये गारंटी से कहता हूं, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी दिख रही हैं, लेकिन अरविंद जी ने यह दावा किया है कि वहां पे हालात बेहतर करने की कोशिशें चल रही हैं। देखना है होगा कि कब तक वहां के हालात जो हैं वो सुधर पाते हैं, क्योंकि इन छात्रों का भविष्य गर्त में है और इनके भविष्य को बनाना जिम्मेदारी है सरकार की, और यहां पे हालात जितनी जल्दी हो सके वो बेहतर हों, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना है मोगा कि कब तक यहां के हालात जो हैं वो बेहतर होते हैं। कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।